आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहां पर बन रहे हैं? सुदीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कहां पर नजर आपकी गई है, कहां पर कन्विक्शन है, क्या ट्रेड करना अभी बीटीएसटी के लिए? मुझे लग रहा है जो हिसाब से रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आप देखिए कि रियल एस्टेट इंडेक्स के अगर रेशियो चार्ट को भी हम देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो वहां पे रियल एस्टेट स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, रियल एस्टेट इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और जो हिसाब से डीएलएफ ने अच्छा मोमेंटम बनाया है, ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हमने देखा है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है डीएलएफ को एक बार बीटीएसटी करके जा सकते हैं 878 के स्टॉप लॉस के साथ 905 के टारगेट के लिए। ठीक है, 878 का स्टॉप लॉस, 905 का टारगेट डीएलएफ के लिए, 2.5% की तेजी। और अच्छी चीज ये है डीएलएफ की, आज की अपने गेंस को कहीं ना कहीं बचा के रखा है डीएलएफ ने बाजार की कमजोरी के बीच भी। ठीक है सुदीप जी, एक ही शेयर या एक और दे सकते हैं? यानी फिलहाल एक ही है, या अगर कोई और नजर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अरे सर खोजिए, एक और खोज के आप रखिए, तब तो मैं कुणाल जी के पास जाता हूँ। कुणाल जी बताइए, आपके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कौन से हैं? खरीदारी करेंगे या फिर कुछ बिकवाले के मौके हैं? वेल, स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करके चलने की सलाह है मेरी, एंड जिस हिसाब से स्टॉक में फिलहाल मोमेंटम हमें देखने को मिला है, दो स्टॉक नजर में आए हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छा खासा स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है, स्टॉक का नाम है हेवल्स। अभी स्टॉक का फिलहाल 1415 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। लो लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 1390 का है टारगेट, 1440 1440 एंड दूसरा टारगेट 1465 है, तो हेवल्स यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड दूसरा जो स्टॉक जहाँ पे आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड अच्छा खासा स्पर्ट भी देखने को मिला है, स्टॉक का नाम है किरी इंडस्ट्रीज, जो अभी फिलहाल 413 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो किरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 398 के अराउंड, 398 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिला है वो 425 का है, और जैसे ही 425 क्रॉस होगा हमें ऊपर में 445 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो किरी इंडस्ट्रीज 398 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए और हेवल्स 1390 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। ठीक है, हेवल्स 1390। एक बार काम कीजिए, आप ये कॉल्स और इनके लेवल्स नोट कर लीजिए फिर से। हेवल्स में 1390 का स्टॉप लॉस, 1440 का पहला टारगेट, 1465 का दूसरा टारगेट, 1.5% ऊपर ये शेयर, लेकिन अभी और ये चलेगा। दूसरा शेयर है किरी इंडस्ट्रीज का, 398 रुपये का, इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और 425 और 445 ये दो टारगेट होंगे किरी इंडस्ट्रीज के लिए। 413.50 रुपये पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सुदीप जी, दूसरा शेयर आपका बाकी है सर, बताइए। मैं दो स्टॉक्स बताने वाला था, बट उसमें से एक तो कुणाल ने कवर कर दिया, हेवल्स। बट दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है और जो नजर में भी अब अच्छा आ रहा है वो है कैम्स। कैम्स में हमने देखा कि एक अच्छा आज सुदीप जी हाँ बोलिए, आपने हेवल्स के भी टारगेट बताइए, आप अपने टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए, हमारा कन्विक्शन तो और बढ़ जाएगा। ठीक है बिल्कुल, चलिए तो हेवल्स से ही शुरुआत करते हैं। हेवल्स में हमने जैसे पिछले कुछ दिनों में जो सबसे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी देखा और उसके बाद पिछले दो सेशन से थोड़ा कंसोलिडेशन वहां पे हो रहा था और आज ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे, और वॉल्यूम्स में भी हमें काफी अबव एवरेज मोमेंटम देखा है वॉल्यूम बिल्डअप में, तो मुझे लग रहा है हेवल्स में यहाँ पे 1395-1393 के स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस भी कुणाल के स्टॉप लॉस से मैच करता है 1390 के आसपास का, तो वो एज अ सेफर स्टॉप लॉस वो रख के चल सकते हैं। और ऊपर के साइड मुझे लग रहा है 1440 और 1460 के लेवल्स आने वाले कुछ सेशंस में हेवल्स में हम देख पाएंगे। और दूसरा जो पिक मुझे लग रहा है स्टॉक बहुत बढ़िया कर सकता है आने वाले सेशंस में वो है कैम्प्स। अभी कैम्प्स में आज सुबह से हमको एक अच्छा मोमेंटम दिखा था और यहाँ पे इंट्राडे जो फॉल आया वहां पे भी स्टॉक 2950 के आसपास नीचे डिप किया था, लेकिन वहां से फिर से ये रिकवरी में स्टॉक ने वापस अपना 1.5% गेन कर लिया, और मुझे लग रहा है अच्छा खासा बिल्डअप के साथ आज कैम्प्स क्लोजिंग देगा यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से
हाईएस्ट क्लोजिंग है ये पिछले कुछ महीनों की। तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत बढ़िया बना हुआ है कैम्स में, और 2940 के स्टॉप लॉस से 3100 के टारगेट के लिए कैम्स को खरीदा जा सकता है। ठीक है, 3100 के टारगेट के लिए कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसको आप खरीद सकते हैं बीटीएसटी कॉल। और हैवेल्स पर आप बिल्कुल अब तनाव मत लीजिए, 1460 रुपये के टारगेट इस पे सुदीप के भी हैं, कुणाल के भी इसके ऊपर के टारगेट्स हैं। एक शेयर और है जिसके लिए आपसे कुणाल स्टॉप लॉस चाहिए होगा, वो है जी एंटरटेनमेंट का। कल जो तेजी हुई और जिस खबर पर तेजी हुई, 7% चढ़ा शेयर, फिर कंपनी ने उसका खंडन किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारी सोनी के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। और कहते हैं ना कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक और चीज़ आ गई कि हालांकि वो एजेंसीज के हवाले से खबर थी कि सीबी 2000 करोड़ रुपए के फंड डाइवर्जन की जांच कर रहा है, और इस सिलसिले में सुभाष चंद्रा जो कि प्रमोटर हैं जी के, और पुनीत गोयन का, उनसे जवाब तलब किया गया है। हालांकि जी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया कि नहीं हम जवाब देंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निवेशकों का भरोसा कहने के डिगा है, 166 रुपये का भाव हो गया है। जी में कहां पे लगा के रखें सुदीप, इसमें स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखें? जीका यदि हम चार्ट भी देखें ना, तो जो हिसाब से जनवरी में एक फॉल आया था, ये 300 के लेवल से सीधा 150 तक गया था 15-17 सेशंस में दिसंबर, और इनफैक्ट पूरे जनवरी में ये फॉल आया था। उसके बाद एक ये जो पुल बैक आया था 200-210 तक, उसने वो जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था ना 23 जनवरी को, उसके कैंडल के हाई को भी नहीं क्रॉस कर पाया। तो ये एक डाउन ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में पुल बैक आया था, और ये पुल बैक अब मटीरियलाइज नहीं हो रहा है, और जो हिसाब से स्टॉक अब गिर रहा है, फ्री फॉल में है। मुझे लग रहा है कि ये अपना जो पिछला पुराना जो 23 जनवरी का जो लो है 152 का, ये इसको भी तोड़ सकता है। तो जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है नेगेटिव, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब एग्जिट आपको जहाँ पे भी एक हल्का फुल्का जो भी एक राइज मिले वहां पे फिलहाल एग्जिट कर लेना चाहिए। और सी स्टॉक कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बट ये जो न्यूज फ्लो आ रहा है, जो मोमेंटम इसके खिलाफ अभी जा रहा है, तो अगर कोई ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहे मुझे ऐसा लग रहा है। सरकारी बैंकों का जो मूड है, सरकारी कंपनियों का जो मूड है खास तौर से, वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहां पे हम देखें कि जितने भी ओएमसीज हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनमें गिरावट है। कोल इंडिया पे हमने आपको राय भी दिलवाई थी, हमारे एक्सपर्ट से वैशाली ने बोला था कि 430 का स्तर भी आ सकता है, पर लंबी अवधि के लिए आपके लिए राय थी कि आप इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा बीएचईएल जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट है। कुणाल, क्या कोई स्टॉक यहाँ पे आपको शॉर्ट के लिए दिख रहा है, जिसमें क्योंकि सब में ही एक जबरदस्त हमने रनअप देखा है, पीएफसी, आरएसी, इन सभी काउंटर्स में, कोई स्टॉक जो कि शॉर्ट साइड आ रहा है आपके रेडार पे, या फिर अभी बच के रहने की आप राय देंगे? अगर मैं स्टॉक की शॉर्ट की बात करूं तो यस, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन ये शॉर्ट की रिकमेंडेशन में मैं इतना जरूर कहूंगा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, एंड उस ज्यादा वॉलेटिलिटी में एसएल भी जो आएंगे वो एसएल थोड़े से बड़े आएंगे। तो जो भी हमारे दर्शक मित्र हैं उनको अगर शॉर्ट करके चलना है डेफिनेटली चल सकते हैं, लेकिन हाँ एसएल अकॉर्डिंगली आएगा। एंड आपने बीएचईएल की ही बात की है, मैं यहाँ पे भेल का ही यहाँ पे बात करूंगा। फिलहाल आर्ली चार्ट पे आप देख सकते हो कि भेल में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एंड लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें बेल में देखने को मिल सकता है। तकरीबन तकरीबन 222 यानी कि 222 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल से हम यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। ऊपर में हमारा जो पहला एसएल आएगा 228 का होगा, यानी आप कह सकते हो कि 3% का यहाँ पे हमारा एसएल बनेगा। तो एसएल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुका है एक डाउनसाइड के मोमेंटम का, शॉर्ट करके चलने की सलाह है। 217 का पहला टारगेट है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है नीचे 210 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जो अभी रिसेंट का उसका बॉटम बना है। तो यस, बेल यहां से शॉर्ट करके चल सकते हैं 228 के एसएल के साथ। स्टॉप लॉस बीएचईएल यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, पर ये जरूर ध्यान रखिए कि एक जबरदस्त रन अप इन काउंटर्स में दिख चुका है। तो कुनाल भी ये हाईलाइट कर रहे थे कि जो स्टॉप लॉस होंगे वो अभी फिलहाल बड़े रहेंगे।